हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं भारत के महान फिलोसोफर कौटिल्य के बारे में, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं और भारत का मैकियावेली जैसे इत्यादि नामों से संबोधित करते हैं। चाणक्य की जो विदेश नीति हो, चाहे उनकी प्रशासन की नीति हो, चाहे उनकी शिक्षा अर्थशास्त्र की नीति हो, चाहे राज्य की नीति हो, वो सभी बातें आज भी जो है भारतीय आधुनिक लोकतंत्र में भी प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने पहले लगभग आधा पड़ाव पूरा कर लिया है, इस लेक्चर में हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वेतन जो है पदाधिकारियों को कितना देना चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में कौटिल्य बताते हैं कि वेतन क्या होना चाहिए। अब वो कहते हैं कि जो सर्वोच्च श्रेणी के पदाधिकारी हैं उनको 48,000 रुपये आज के हिसाब से वेतन देना चाहिए, जिसमें कौन कौन लोग शामिल हो, तो प्रधानमंत्री हों, पुरोहित हों, सेनापति हों, युवराज जैसे लोग हों, इनको 48,000 रुपये वेतन देना चाहिए। जबकि द्वितीय श्रेणी के जो कर्मचारी हैं जैसे द्वारपाल, समाहर्ता, सन्निधाता, इन लोगों को 24,000 रुपये वेतन देना चाहिए आज के हिसाब से। ये पण नामक जो है मुद्रा की बात करते थे। और जो तृतीय श्रेणी के जो पदाधिकारी हैं उनको 12,000 रुपये वेतन देना चाहिए। इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, जैसे पौर, नायक, व्यवहारिक, कर्मांतिक, ये सब लोग इस जो है श्रेणी में शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथी श्रेणी में जो लोग शामिल हैं उनमें कौन कौन लोग हैं, मतलब फोर्थ क्लास एम्प्लॉय में, उसमें 4,000 रुपये वेतन की बात करते हैं। और इसमें अंगों के अध्यक्ष शामिल हैं, सेना के विभिन्न अंग जो हैं उनके अध्यक्ष शामिल हैं। और पांचवी श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको 2,000 पण वार्षिक देना चाहिए। और जो सिक्स कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 500 से 1,000 पण वार्षिक रूप से देना चाहिए। तो इस तरह से वो सैलरी की बात करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो महान हिस्टोरियन हैं रोमिला थापर जी, वो इनके बारे में क्या बात कहती हैं। वो कहती हैं राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा हिस्सा पदाधिकारियों को वेतन और सार्वजनिक कार्यों में लगना था, और कुल मिलाकर इन दोनों पदों के लिए संपूर्ण आय का बहुत अधिक वेतन मिलता था, इसमें एक बड़ा हिस्सा निकल जाता था। प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेना जो अध्यक्ष है उसको 48,000 रुपये पण, कोषाध्यक्ष और मुख्य समाहर्ता को 24,000 पण, लेखपालों को और लिपिकों को 500 पण मिलते थे। आगे वो कहते हैं मंत्रियों को 12,000 पण तथा शिल्पियों को 120 पण दिए जाते थे। एक लिपिक और उच्च अधिकारी के बीच में वेतन का अनुपात 1:96 के अनुपात में था, तथा शिल्पी और मंत्री के बीच में जो अनुपात है, मतलब जो क्राफ्टमैन होते थे और जो मंत्री के बीच में अनुपात है, वो 1:100 था। यानी कि जो लोग मुख्य परीक्षा दे रहे हैं वो आलोचना के तौर पर यहाँ लिख सकते हैं कि वेतन में बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से गैप था, बहुत अनियमितता थी। ये भी एक भ्रष्टाचार का बड़ा कारण हो सकता है या एक निरस्ता का बड़ा कारण हो सकता है। तो यहाँ पर ये क्रिटिकली कमेंट करती हैं एक तरीके से रोमिला थापर जी। अब लोग आगे बढ़ेंगे, प्रशिक्षण के बारे में उनकी क्या जो है सोच थी, प्रशिक्षण के बारे में वो क्या कहते हैं। प्रशिक्षण के बारे में यानी ट्रेनिंग के बारे में कहते हैं कि सेना के कार्मिकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जो सेना के पर्सनल हैं, पर्सनल मतलब निजी वाला नहीं, पर्सनल मतलब कार्मिक, उनको ट्रेनिंग दिया जाए। फिर आगे वो कहते हैं पदोन्नति के संबंध में निश्चित नियमों का अभाव था, यानी कि पदोन्नति कैसे होगी उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। अच्छा कार्य करने वाला वेतन देकर पदोन्नति प्राप्त करता था, मतलब जो इसने अच्छा काम किया उसको अच्छा वेतन देकर पदोन्नति कर दीजिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा क्रिटिकली जब जो कमेंट कर रहे होंगे तो आप यहाँ भी आप लिख सकते हैं। फिर अगला है कौटिल्य कर्मचारियों के अवकाश का समर्थन नहीं करते हैं, फिर भी वो आकस्मिक अवस्था जो है अस्वस्थता का सुझाव देते हैं कि अगर कोई आकस्मिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो उसे जो है छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन वो अवकाश का समर्थन नहीं करते हैं। जबकि आप जैसे इसको वर्तमान से आप तुलना करोगे तो देखोगे कि जो ब्रिटिश जब से मतलब औद्योगिक क्रांति आई और एल्टन मेयो, इसके बाद में पढ़ूंगा, तो वो कहते हैं कि अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे आप आजकल हम लोग देखते हैं कि हमें सैटरडे को छुट्टी मिलती है, सेकंड सैटरडे को छुट्टी मिलती है, तो ये सब चीज़ें हैं
एल्टन मेयो का कहना था कि अगर हम हमेशा कार्मिकों को कार्य में लगाएंगे तो उनमें जो कार्य में दक्षता में कमी आने लगेगी। तो कौटिल्य की आलोचना में आप यहाँ ये चीज़ें लिख सकते हो। फिर अगला पॉइंट क्या है, आगे वो कहते हैं भ्रष्टाचार तथा दमन का दोषी पाया गया व्यक्ति को कड़े दंड का पात्र है, उसको कड़ा दंड देना चाहिए। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार और दमन का दोषी पाया जाए उसे बहुत दंड देने की आवश्यकता है। और ये पेंशन का व्यवस्था का समर्थन करते हैं, पेंशन व्यवस्था का समर्थन करते हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश या भारत के जो लोग 2005 के बाद के ज्वाइनिंग किए हुए हैं उनके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है, है ना। तो इस सरकार ने भी, समाजवादी पार्टी ने, मतलब सर जो विपक्ष में है उसने कहा कि हम आएंगे तो पुनः पेंशन बहाल करेंगे। तो कौटिल्य भी पेंशन की बहाली की बात करते थे। कौटिल्य ने स्थानीय प्रशासन का उल्लेख करते हैं और दो प्रकार का स्थानीय प्रशासन दर्शाते हैं, ठीक है। स्थानीय यानी लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप 73वें संविधान देखो, तुलनात्मक रूप से पढ़ा रहा हूँ, इसका बहुत ज़्यादा फायदा भाई ये होगा आपको कि आप कंपैरेटिव लिख पाओगे, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। आज के टाइम में आप देखते हो 73वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था की गई है कि स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई है, गांधी जी की सोच के अनुरूप ये व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं वो विचार कौटिल्य के जो है विचारों में भी देखे जा सकते हैं। अब स्थानीय प्रशासन के दो आधार क्या थे, एक था पुर जिसको नगर कहा जाता है और एक था ग्रामीण। तो जैसे अब 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से जुड़ा है और 74वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है, नगरीय स्वशासन से, नगरीय स्वशासन से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इसको अंडरस्टैंड करते होंगे मैं समझता हूँ। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय प्रशासन के दो प्रकार कैसे कैसे संचालित होता था, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। पहला है, दो प्रकार हैं स्थानीय स्वशासन के, पहला पुर अथवा नगर और दूसरा है ग्रामीण इकाई। तो पुर में कौन कौन लोग होंगे, नियंत्रक होगा, स्थानिक होगा, उसके अधीन कौन होगा, गोप होंगे, फिर प्रधान अधिकारी होंगे, फिर प्रधान अधिकारी कौन किसके नीचे कौन होगा, नागरिक होंगे। इनका काम क्या होगा, यह नगर की शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, नगर की क्या करते थे, शांति व्यवस्था जो है बनाए रखते थे, तथा अन्य प्रशासनिक कार्य हैं तो जिम्मेदारी इनके पास होती थी। कौटिल्य क्या कहते हैं फ्रेंड्स, कौटिल्य कहते हैं कि वित्त प्रशासन रूपी इंजन का ईंधन होता है, यानी जो फाइनेंस है। अब आगे हम लोग देख रहे हैं तो जिसमें वो, मैं जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था कि वो फाइनेंस पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो फाइनेंस के बिना प्रशासन नहीं चल सकता, भाई आप सैलरी नहीं दोगे तो दिक्कतें होंगी, तो वित्त राज्य के संचालन के लिए बहुत आवश्यक है। फिर आगे कौटिल्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि राजकोष पर सर्वाधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी उसकी सबसे ज़्यादा जो है वो कोशिश करते हैं। अब जैसे हम आज के टाइम में देखते हैं भारत में जो टैक्स कलेक्शन है दुनिया में सबसे कम है, पहले 2.5-3% लोग टैक्स देते थे, अब लगभग 6% लोग टैक्स दे रहे हैं। तो जब आप टैक्स ही नहीं दे पाएंगे तो फिर राज्य अपना खर्च कैसे संचालित करेगा, ठीक है। तो इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि राजकोष बहुत आवश्यक है, और ये तो ये विचार आज के समय भी प्रासंगिक है, इनकी प्रासंगिकता जो वर्तमान में लिखेंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट आप कोट करेंगे। फिर अगला है, कौटिल्य ने राज्य में संचालित हो रहे उद्यमों को 3 श्रेणियों में बांटा है। जो राज्य में उद्यम संचालित हो रहे हैं उनको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में फ्रेंड्स बांटा है। सबसे पहले आती है आर्थिक नीति, इसके मतलब जो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं उसका उल्लेख करते हुए कौटिल्य कहते हैं, नंबर एक वो क्या है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें पहला पॉइंट है कि जिन उद्यमों में राज्य का अस्तित्व निर्भर करता है उनका संचालन आवश्यक रूप से राज्य द्वारा किया जाए। जैसे आज के टाइम पे आप देखते हो मार्गरेट थैचर और रोनाल्ड रीगन का मॉडल चल रहा है, यानी निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सब कुछ निजीकरण किया जा रहा है, हर चीज़ का। ग्लोबलाइजेशन के बाद ये और तेज़ी के साथ बढ़ा था निजीकरण, लेकिन इसका दुष्प्रभाव क्या दिखाई देता है, दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं सरकार के हाथ से नियंत्रण चीज़ों पर चला जाता है। जबकि कौटिल्य ने बहुत पहले कहा था कि जिन जो जो व्यवस्थाएं हैं जिनका अस्तित्व राज्य के लिए बहुत आवश्यक है उन पर राज्य का नियंत्रण बना रहना चाहिए, अथवा इसका मतलब ये क्या हुआ कि राज्य को वे सभी दायित्व अपने हाथ में लेने चाहिए जिससे राज्य की साख खराब ना होती हो। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे वो कहते हैं मूल उद्यमों पर राज्य के अस्तित्व स्वामित्व व नियंत्रण की बात करते हैं, वही बात है। फिर इस प्रकार के उद्यम आय के लोक उद्यमों के समान है, ठीक है।
ठीक, जिनको पब्लिक सर्विस यूनिट कहा जाता है, जिसमें लोग लगे रहते हैं। अभी जैसे एयर इंडिया के को बेचा गया, तो एयर इंडिया की नीलामी के बाद फिर जो वर्कर्स हैं उनका क्या होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, तो उनके वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये सब बातें हैं। स्वामित्व व नियंत्रण भी राज्य का होना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप लिखिए यहाँ, जब प्रासंगिकता लिखिए तो आप तुरंत लगा दीजिए कौटिल्य के विचार आज भी प्रासंगिक हैं संदर्भ में, प्रासंगिकता में। फिर दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है, स्थापित किए गए उद्यमों पर जनता अपनी पूंजी व श्रम लगाती है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार प्रबंध व संचालन का दायित्व तो उन्हीं का होता है, उनमें विनियोजन जो है उनमें वो विनियोजित होते हैं। बिल्कुल सही। जैसे मार्क्स ने अपनी विचारधारा में कहा कि जो श्रम है उसका शोषण होता है सदैव पूंजीपतियों द्वारा। गांधी जी ने कहा कि श्रम जो है पूंजी से अधिक आवश्यक है, इसलिए दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आज के टाइम में हम क्या देखते हैं कि आपके श्रम का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ जो कारखाना लगाता है वो अपना सारा लाभ ले जाता है और जो कार्मिक है उसका शोषण होता है। तो इस ये अब आज के समय में जब आप लिखेंगे कौटिल्य के विचार, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं कि कौटिल्य के विचार मार्क्स के और गांधी जी के विचारों से मेल खाते हैं। बहुत ही ईजी ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं उद्यमों पर राज्य के नियंत्रण का समर्थन करते हैं। कौटिल्य ने राजस्व के प्रशासन तथा उन पर नियंत्रण का भी समर्थन किया है, राजस्व के प्रशासन और उस पर नियंत्रण का समर्थन किया है। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरे बिंदु में क्या कहा गया है। कौटिल्य कहते हैं राजस्व तथा व्यय प्रशासन के विभिन्न आयामों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, यानी कि जो रेवेन्यू कैसे आएगा और व्यय कैसे होगा, जिसे आजकल हम पूंजीगत व्यय कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र में, पूंजीगत व्यय, है ना। पूंजीगत व्यय क्या होता है, जो खर्च हम भवन निर्माण, सड़क, रोड ये सब बनाने में लगाते हैं उसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पर भी वो बात करते हैं, इन सब के जिक्र करते हैं और कैसे पैसा आएगा। जैसे होता ना, अभी बजट आएगा तो आप लोग पढ़ेंगे कि आय की मदें व्यय की मदें, तो आय की मदें कैसे सुनिश्चित हो, इस पर भी कौटिल्य का ध्यान है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कौटिल्य कहते हैं अपने तीसरे और चौथे अध्याय में क्या बात कहते हैं कौटिल्य साहब, वो कहते हैं न्याय प्रशासन व कानून प्रशासन व्यवस्था के विविध आयामों का उल्लेख है इसमें, तीसरे और चौथे में, न्याय प्रशासन और कानून व्यवस्था का। कौटिल्य ने कहा कि अर्थशास्त्र में के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जो सुप्रीम कोर्ट जैसे है, उसने राजा को बताया है, ठीक है, सब जो सबसे बड़ा न्यायकर्ता है वो राजा है, यानी जिले इलाही जिसको हम कहते हैं मध्यकाल में, न्याय के क्षेत्र के रूप में रक्षा की पहचान की गई है, ठीक है। अब जैसे यह है कि जब न्याय किया जाए तो बहुत ज़्यादा इस बात का ध्यान रखा जाए, लेकिन वहाँ जैसे राजा है और यहाँ अब आधुनिक लोकतंत्र से वहाँ राजा ही सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था, और ये बात कौटिल्य की मध्यकाल तक प्रासंगिक प्रतीत हुई। मध्यकाल में भी प्रत्येक राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था, जबकि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण में जो है वो अलग जो है न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। आप इस तरह से लिख सकते हैं तुलनात्मक रूप से। फिर कौटिल्य राजा से क्या आग्रह करते हैं, वो कहते हैं कि राजा को न्यायिक शक्ति का प्रयोग धर्म के अनुसार करना चाहिए। कौटिल्य सुनिश्चित न्याय प्रणाली के पैरोकारी हैं, ठीक, यानी कि वो क्या कहते हैं, धर्म का, राजा का धर्म क्या है, जनता का कल्याण करना, न्यायप्रिय, न्यायप्रियता, तो ये सब जो बातें हैं वो जो है होनी सुनिश्चित होनी चाहिए, ये है राजा का धर्म। आगे हम लोग बात करते हैं, अब अर्थशास्त्र में कौटिल्य दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं फ्रेंड्स, जो है दो प्रकार के न्याय की बात करते हैं। पहला है, पहले प्रकार का न्याय क्या है, धर्मस्थली है, और दूसरे प्रकार का न्याय क्या है, कंटक शोधन है, ठीक है। धर्मस्थली को दीवानी मामले कहते हैं और कंटक शोधन को फौजदारी मामले कहते हैं, आइए देखते हैं। और ये दोनों प्रकार आज भी प्रासंगिक है, आज भी इस प्रकार के जो है न्यायालय हैं हमारे यहाँ पर, ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अब दीवानी मामलों में कौन कौन से मामले आते हैं जिनको हम धर्मस्थली मामले कहते हैं, इसमें समस्त दीवानी मामले आते हैं, और कंटक शोधन में क्षेत्राधिकार में फौजदारी मामले आते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि आगे बढ़ा लेते हैं फिर बताते हैं। कहते हैं कि जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाए, जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राजा द्वारा की जाए, और उसकी नियुक्ति का आधार क्या हो, योग्यता हो,
जैसे आज के टाइम में आप क्या देखते हो, NJIC बनाने की बात हुई थी, उसको खारिज कर दिया गया। कोलोजियम प्रणाली है, उसमें योग्यता की तो बात होती है लेकिन कैसे चुने जाएंगे सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपने नियंत्रण में ले रखा है। तो योग्यता आधारित न्याय की बात करी गई है, तो ये प्रासंगिक प्रतीत होता है यहाँ पर। फिर कौटिल्य की शक्तियों तथा उनकी समुचित नियंत्रण प्रणाली का समर्थन किया है। वो कहते हैं कि उनके उनके हाथ में जो है, जो न्यायाधीश के हाथ में समुचित नियंत्रण प्रणाली होनी चाहिए। जैसे आज के टाइम में ये प्रासंगिक है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्याय जो है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विधान है। न्यायपालिका क्या करती है, वो नियंत्रण रखती है। फिर आगे क्या कहा गया फ्रेंड्स, वो कहते हैं कि न्याय प्रक्रिया में दंड व्यवस्था का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जघन्य अपराध करता है तो उसे कठोर दंड देने की वो बात करते हैं। तो न्याय व्यवस्था में दंड का विशेष प्रावधान है। आज भी हमारे समाज में ये सही है कि अगर कोई जघन्य अपराध करता है तो उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान हमारे यहाँ किया गया है, यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में। तो यहाँ भी कौटिल्य के विचार प्रासंगिक हैं। कौटिल्य ने राज्य द्वारा जो संबंध हैं उसके संचालन के लिए, जो विदेशी संबंध हैं, राज्य द्वारा जो विदेशी संबंध हैं उसके संचालन के लिए गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं, यानी कि गुप्तचर संचालित होने चाहिए। वो ये भी कहते हैं कि जो है दुश्मन का दुश्मन सदैव दोस्त होता है, लेकिन वो दुर्ग वगैरह बनाने की बात करते हैं और बहुत सजग हैं कि क्या क्या तरीके हमारे पास होने चाहिए। और आगे देखिए भाई, मैं बताता हूँ अंतर्राज्यीय संबंधों पर उनकी क्या राय है। अंतर्राज्यीय संबंधों पर देखिए वो विवेचना करते हुए चार उपाय बताते हैं और षड्यंत्रों को गुप्त नीति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। बिल्कुल सही, अभी हमने देखा कि कल ही जो है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि जो जितने भी बड़े नेता हैं वो सोशल मीडिया का यूज ना करें, उसका प्रयोग हो सकता है। जैसे अभी बीच में आपने देखा था कि इसराइल का जो मॉलवेयर है वो हमारे मोबाइल्स में आया था हमारे नेताओं के, और गुप्त जानकारी उसने ली थी। तो कहते हैं कि उपाय क्या है, साम, अगर हम अपने राज्य को बचाना चाहते हैं तो साम, दाम, दंड, भेद की नीति हमें अपनानी चाहिए। और षड्यंत्र अगर हमारे खिलाफ हो तो हमें संधि करना चाहिए, आसन करना चाहिए, विग्रह करना चाहिए, यान और संश्रय करना चाहिए। तो साम, दाम, दंड, भेद और संधि, जो ये चीज़ें हैं ये आज भी हमारे यहाँ प्रासंगिक हैं। तो जैसे कहा जाता है विदेश नीति में, जैसे ये 2010 में मनमोहन सिंह साहब ने कहा था, विदेश नीति में कोई ना तो परमानेंट मित्र होता है और ना ही परमानेंट शत्रु होता है। तो ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं। अब देखिए शाम का यहाँ क्या मतलब है, शाम का मतलब है सम्मान करना, दाम का मतलब जैसे होता ना कि जब प्रधानमंत्री जी बने थे 2014 में तो उन्होंने देशों को बुलाया था, पड़ोसी देशों को। दाम का मतलब है धन देना, तो जैसे तमाम छूट दी जाती श्रीलंका को, म्यांमार को, नेपाल को। दंड का मतलब है शत्रु को दंडित करना, और भेद का मतलब है संकट पैदा करना। फिर है उपाय, संधि में वो क्या कहते हैं, संधि के विरोधी पक्ष से समझौता करना। आसन को युद्ध की प्रतीक्षा करना, और विग्रह का मतलब है दुश्मन पर उपकार करना, और यान का मतलब है वास्तविक अधिकार प्राप्त करना। संशय का मतलब है शक्तिशाली विरोधी पक्ष की शरण में चले जाना, अगर हम बहुत ज़्यादा विरोधी शक्तिशाली हो तो उसके शरण में चले जाएं। और द्वैत भाव की बात कहते हैं दोगली भावना, ये षड्यंत्र के तरीके हो सकते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा, चाहे टीपू सुल्तान हो चाहे और लोग हों, उनकी मृत्यु का कारण यही रहा है। फिर हम आप बात करेंगे कौटिल्य के नौकरशाही के बारे में, इनके विचार क्या थे, आज वो कितने प्रासंगिक हैं। आगे हम देखते हैं अर्थशास्त्र में कौटिल्य भ्रष्टाचार से संबंधित बात करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार, जो मैंने कल भी बताया था, जीव पर शहद रख दिया जाए और व्यक्ति से कहा जाए उसका स्वाद ना ले तो यह आश्चर्य की बात होगी, यानी कि असंभव होगा। इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति वित्तीय कार्यों में गबन के बिना नहीं रह सकता। वो साफ साफ बहुत ही व्यवहारिक, यानी कि वो
बहुत ज़्यादा व्यवहारिक प्रतीत होते हैं। यानी अगर आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो इन विचारों को आपको लेकर चलना पड़ेगा, ऐसा ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीका अपनाया जाए जिससे कम से कम करप्शन हो सके। हमेशा परंतु ऐसा करते वो हमेशा नहीं देखते, ठीक, वो ये भी कहते हैं कि सदैव ऐसा होता भी नहीं है। इस बात की पैरोकारी करते हुए कौटिल्य कहते हैं, जिस प्रकार मछली पानी में रहते हुए हमेशा पानी नहीं पीती दिखती, उसी प्रकार वित्तीय कार्यों में संलग्न व्यक्ति हमेशा गबन करते नहीं दिखते। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये दोनों विचारों में संलग्न करते जो है तारतम्यता स्थापित करते हैं, कि यानी हमारी जो नौकरशाही है, हमारी जो जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी बैकबोन है, तो उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कम से कम लेस करप्ट हो और मोर जो है इक्विटेबल हो। तो ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है यहाँ पर, इसकी प्रासंगिक ये वो उदाहरण हमेशा आप दीजिए। फिर वो भ्रष्टाचार के 40 ख़त्म करने के 40 उपाय, मतलब भ्रष्टाचार के 40 तरीके बताते हैं। मैं 2-4-6 की बात कर देता हूँ, जैसे चोरी करना, पक्षपात करना, रिश्वत लेना, ठीक है, और निर्णय दे देना, और रिश्वत लेकर कोई जो है काम कर देना, राजकोषीय धन से अधिक धन निकाल लेना यानी अधिक बजट प्रस्तुत कर देना, प्राप्त राशि में जो है भ्रष्टाचार कर देना, जो पैसा मिल रहा है उन सब चीज़ों में, ठीक है, कर से वंचना करना। फिर वो आगे क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार पर जो विभिन्न कालों में अगर हम दृष्टिपात करें, अगर विभिन्न कालखंडों को देखें, तो यह प्राचीन काल ही नहीं आधुनिक समाज में भी व्याप्त है। परंतु कौटिल्य राजकीय कर्मचारियों से पूर्ण ईमानदारी कर्तव्य पालन का आग्रह करते हैं, यानी जो ऑफिशियल्स हैं जो वो कम से कम वो जो है वो पूर्ण ईमानदार होंगे, ऐसे उनसे वो उम्मीद करते हैं कर्मचारियों से। तो बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य के विचारों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन, कि कौटिल्य के विचार कितना प्रासंगिक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिए। पहला है, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचारधाराओं में सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात क्या है। जैसे डॉक्टर मैकेंजी ब्राउन ने अपनी पुस्तक इंडियन पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम मनु टू गांधी में लिखा है कि वो कौटिल्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि एक ही कार्य अर्थशास्त्र द्वारा सब कुछ स्पष्ट कर दिया, भाई 15 भागों में उसे लिखा और सब कुछ स्पष्ट कर दिया। जैसे मैकियावेली तथा बेकन ने अलग अलग स्पष्ट करने का प्रयास किया है, जैसे मैकियावेली और बेकन जैसे लोगों ने अलग अलग स्पष्ट करने का प्रयास किया है, तो यहाँ पर कौटिल्य साहब की प्रशंसा की जा रही है। फिर वो कहते हैं कि आज 2200 सालों के आज के मतलब 2200-2300 साल पहले लिखा गया था, परंतु विचारों उनके विचार जो है आज भी काफ़ी कुछ प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं, कौटिल्य के जो राज्य के सप्तांग हैं वो बताए थे, उसमें आज भी संप्रभुता और जो है 3-4 जो उसके तत्व हैं वो आज भी हमारे आधुनिक राज्य के सिद्धांत से मेल खाते हैं। और आधुनिक राज्य के सिद्धांत क्या हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैंने कल बताया था। फिर वो आगे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं उस समय का मुखिया राजा होता था, व्यक्ति सरकार का तरीका राजतंत्रात्मक होता था, आज जो मुखिया है वो राजतंत्रात्मक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रहा है। आगे बात करते हैं, उस समय मंत्रिपरिषद थी जो राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करती थी, आज भी मुख्य कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद शामिल होती है जो शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आगे वो कहते हैं कि प्रादेशिक क्षेत्र या जनपद का तीसरा अंग था और आज भी राष्ट्र राज्य की अपनी प्रादेशिक सीमाएं होती हैं, उसके नागरिक जिसमें निवास करते थे, दुर्ग उस समय सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। बहुत इंटरेस्टिंग, आज भी बनाए जाते हैं। आज दुर्गों के स्थान पर सैनिक छावनियां बन रही हैं, बिल्कुल ठीक है, अन्य सुरक्षा प्रतिष्ठान हैं। राजकीय सेना के बारे में उनका क्या विचार है, वो कहते हैं राजकोष, सेना और मित्र राज्य के जितने आवश्यक थे उतने ही आज आवश्यकता इनकी पड़ती है। भाई पैसा भी बहुत चाहिए, सेना भी चाहिए और हमें पड़ोसी मित्र भी चाहिए। जैसे हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी हम लोग अपनाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्यों हैं, इसलिए कि हमें मित्र चाहिए। कौटिल्य का राज्य को लोकतांत्रिक और कल्याणकारी प्रकृति का मानते हैं।
आज भी राज्य की प्रगति कैसी है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की लोक कल्याणकारी प्रतीत होती है। तो ये प्रासंगिक विचारों की बात ही है। फिर आगे कौटिल्य क्या कहते हैं, राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें विभिन्न विभाग हैं, जिसे वो तीर्थ कहते हैं, ठीक है, आज भी विभिन्न प्रशासनिक विभाग हैं जिनका वर्णन हमारे जो है पॉलिटिकल सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन में मिलता है। आगे बात करते हैं कार्मिक प्रशासन, पहले भी थे, ठीक है, आज भी कार्मिक प्रशासन है, DOPT जिसे कहा जाता है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग इन सबका काम करती है, UPSC के कर्मचारियों का सिलेक्शन वगैरह। फिर स्थानीय प्रशासन का जिक्र कौटिल्य करते हैं, लोकल गवर्नेंस का, आज भी लोकतंत्र की जो प्रशिक्षण शाला सच्ची पद्धति का आधार स्थानीय प्रशासन को ही माना जाता है, जिसको आप स्थानीय जो पंचायती राज व्यवस्था कहते हो, तो वास्तव में सच्चा लोकतंत्र तो वहीं प्रतीत होता है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, वित्त विभाग की बात पर वो क्या कहते हैं, आज भी वित्त विभाग है और आज यह उपयोगितावाद के रूप में निर्विवाद रूप से कार्य कर रहा है। बिल्कुल, कौटिल्य फाइनेंस को सबसे इम्पोर्टेंट देते हैं, आज भी फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। लोक उद्यमों पर जो पब्लिक सर्विस यूनिट हैं यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उस पर राज्य के स्वामित्व होना चाहिए और नियंत्रण की वो बात करते हैं। आज भी राज्य जो है लोक उद्यमिता की व्यवस्था करता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय पिछले 10 सालों से उसमें जो है कमी आ रही, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है, जिसका विरोध भी अक्सर होता रहता है। और अंतिम बिंदु पर हम आते हैं, तो कौटिल्य ने जिस प्रकार 2 प्रकार के न्यायालयों की बात करी थी, वे आज भी न्याय प्रणाली में जो है दीवानी और फौजदारी के रूप में आवश्यक प्रतीक होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने कौटिल्य के विचारों को ठीक तरीके से जो है समझने की कोशिश की है। आपको आशा है कि ये वीडियो काफ़ी कुछ पसंद आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरी से रिक्वेस्ट है कि इसे वाइडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और अगर आप हमारा पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और आप हमें इसी नंबर पर टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है सेलेक्टिव क्लासेस के नाम से और दूसरा है UPSC पाथवे के नाम से। तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपूर्ण थिंकरों पर जो है वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।